एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में चींटियां मिलकर अपने खाने का इंतजाम कर रही थी। एक नन्ही चींटी को बहुत प्यास लगी। उसने अपनी साथी चींटी से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। साथी चींटी ने कहा, जाओ जाओ पर जल्दी आ जाना। और फिर नन्ही चींटी पानी पीने नदी की तरफ चल पड़ी। नन्ही चींटी जैसी ही नदी किनारे पहुंची, वहां सांप देख के वो डर गई और उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो नदी में जा गिरी। नन्ही चींटी चिल्लाने लगी, मैं डूब रही हूँ, कोई बचाए मुझे। दरख्त पर बैठी चिड़िया ये सब देख रही थी। वो फौरन एक पत्ता लेके उड़ती हुई चींटी की तरफ गई और नन्ही चींटी के पास डाल दिया। नन्ही चींटी उस पे चढ़ गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। ओ अल्लाह का शुक्र है, बस किनारा मिल जाए और मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। जल्द ही नदी का किनारा आ गया और नन्ही चींटी किनारे पर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, आज तुमने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन क्या होता है, उस जंगल में एक शिकारी आ जाता है। उसको घने दरख्तों के दरमियान चिड़िया नजर आती है। उस वक्त वो चिड़िया सो रही होती है, इसलिए शिकारी को नहीं देख पाई। शिकारी दबे कदमों उसके करीब जाता है और उसे पकड़ने का इरादा करता ही है कि इत्तेफाक से चींटी उसको देख रही होती है। वो फौरन जाती है उसकी तरफ और खूब जोर से शिकारी की टांग पर काटती है। शिकारी दर्द से चिल्ला उठता है। शोर सुन के चिड़िया जाग जाती है और वो उड़ जाती है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया चींटी बहन, आज तुमने मेरी जान बचाई, वरना आज वो शिकारी मुझे कैद कर लेता। नहीं चिड़िया बहन, एक दूसरे के काम आने में ही हमारी भलाई है।